नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है 5:25 बड़ी खबरों का। भारत ने 6 दिनों में लगाई मलेशिया, सऊदी अरब और कनाडा जैसे देशों की आबादी से भी अधिक कोरोना वैक्सीन। भारत का चीन और तुर्की को कड़ा संदेश, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का होना चाहिए पालन। केरल में महिलाओं के लिए गठित होंगी विशेष अदालतें, न्याय मिलने में नहीं होगी देरी। अमेरिकी कॉमर्स कंपनियों को पीयूष गोयल ने बताया घमंडी, कहा कई जान बूझ कर तोड़े देश के कानून। देश में अगस्त सितंबर तक उपलब्ध होंगे 135 करोड़ टीके, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा एक्शन, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शिथिल रहने पर 11 जिला अध्यक्ष बर्खास्त। उत्तर प्रदेश में 21 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं, 24 घंटे में 173 नए पॉजिटिव केस मिले। लखनऊ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले आरोपी पर लगा रासुका, मोटी रकम में बेच रहा था इंजेक्शन। लखनऊ के गोमती नगर पुलिस ने मारा हुक्का बार पर छापा, पुलिस ने मैनेजर समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस कमिश्नर ने किया अर्दली रूम, तालकटोरा और सादतगंज थाने में दर्ज मुकदमों की समीक्षा की। बिलावर ने इमरान को देश की सुरक्षा के लिए जोखिम बताया, परमाणु कार्यक्रम पर पीएम की टिप्पणी पर साधा निशाना। ब्राजील में 24 घंटों में कोरोना से 1,593 लोगों की मौत, 5,12,000 से ऊपर पहुंचा कुल आंकड़ा। स्पेन में मास्क लगाने पर से हटा प्रतिबंध, कोविड 19 से बचने के लिए कई अभी भी सतर्क। एफएटीएफ के फैसले पर पाक ने साधा भारत पर निशाना, विदेश मंत्री कुरैशी बोले कुछ ताकतों के दबाव में बने रहे ग्रे लिस्ट में। न्यू मैक्सिको में बड़ा हादसा, हॉट एयर बैलून क्रैश में 4 की मौत, 1 की हालत बनी है नाजुक। पूर्व कप्तान का दावा, इंग्लैंड के लिए भारत को हराना कठिन लेकिन मिल सकती है सफलता। इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में श्रीलंका का किया सुपड़ा साफ, आखिरी मैच बड़े अंतर से जीते मेजबान। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी को किया जाएगा क्वारंटीन, 14 दिन रहेगी न्यूजीलैंड में। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को चिंता करने की जरूरत नहीं, गावस्कर ने बताई वजह। कोरोना की वजह से भारत से बाहर किया जा सकता है टी20 विश्व कप, बीसीसीआई ने दी जानकारी। सोनू सूद ने लॉन्च किया कवरेज ऐप, बोले यह ऐप ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी सहायता प्रदान करेगा। सिकंदर के वीडियो में दिखने से किरण खेर ने किया इनकार, कहा मैंने अभी लिपस्टिक नहीं लगाई है। लाइव सेक्शन में सुष्मिता सेन को फैन ने किया प्रपोज, बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल ने दिया रिएक्शन। शादी के 21 साल बाद तलाक लेने जा रहे अभिनेता पंकित ठक्कर, 5 सालों से रह रहे थे पत्नी से अलग।
आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग की पूरी, वहीं संजय लीला भंसाली शुरू कर रहे हैं हीरा मंडी। फिलहाल के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।